मैं हूँ सुमन, आप सभी का स्वागत करती हूँ सुमन फूड स्टेशन में। आज मैं आप सबके लिए बुहार भाजी का रेसिपी लेके आई हूँ, तो मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको पसंद आए तो एक बार ये रेसिपी अपने घर पे जरूर ट्राई करके देखिए। तो चलिए जान लेते हैं आज का टिप्स। आज का टिप्स है, नूडल्स को उबालते टाइम उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डाल दें और उसे निकालते टाइम थोड़ा सा ठंडा पानी में धो लें। इससे नूडल्स आपस में चिपकता नहीं है। तो ऐसे ही नया नया टिप्स और नया नया रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड पे जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। बुहार भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बुहार भाजी ले लिया है। इसे अच्छी तरह से साफ करके इसे धो लिया है। ये भाजी को इस तरह से बनाने से बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने यहाँ पे कुछ चना दाल लिया है। चना दाल करीब एक कप मैंने लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे दो घंटे के लिए सोक करके रख देंगे। मैंने यहाँ पे अपने क्वांटिटी के हिसाब से एक कप चना दाल का यूज़ किया है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम भाजी के हिसाब से एक कप चना दाल का यूज़ किया है। अब मैंने यहाँ पे कुछ इमली ले लिया है। इमली आप जितना खट्टा पसंद है आपको उसी हिसाब से इमली ले लें। और यहाँ पे मैंने करीब 1/4 कप पानी डाल दिया है। अब इसे सोक कर हम आधे घंटे के लिए रख लेंगे। अब ये देखिए चना दाल मैंने दो घंटे से इसे सोक करके रख लिया था। अब यहाँ पे मैंने दो प्याज को इस तरह से काट के ले लिया है और ये इमली जो मैंने सोक करके आधे घंटे के लिए रखा था। और यहाँ पे ड्राई रेड चिली 3 मैंने ले लिया है, स्वाद अनुसार नमक और यहाँ पे कुछ मस्टर्ड सीड्स लिया है करीब 1/2 टीस्पून। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। पहले एक कढ़ाई में हम 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गरम कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब इसमें मस्टर्ड सीड्स ऐड कर लेंगे। मस्टर्ड सीड्स मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून यूज़ किया है। अब इसमें ड्राई रेड चिली डाल देंगे। 3 मैंने यहाँ पे ड्राई रेड चिली का यूज़ किया है। अब हम इसमें प्याज को डाल देंगे और प्याज को थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम में हम फ्राई करेंगे। मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और इसको फिर से फ्राई कर रही हूँ। नमक ऐड करने से थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाता है प्याज। ये देखिए लगभग सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें चना दाल को ऐड कर लेंगे जो मैंने 2 घंटे तक सोक करके रखा था। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे ताकि चना दाल अच्छे से पक जाए। अब हम इसमें बुहार भाजी को ऐड कर लेंगे। बुहार भाजी सीजनल है, ये छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं लोग इसे खाना। ये सीजनल है, काफ़ी कम समय के लिए ये मिलता है और कम समय के लिए मिलता है इसीलिए ये बहुत ही कॉस्टली होता है। अब इसमें थोड़ा सा नमक हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाकर मीडियम या फिर स्लो फ्लेम में हम इसे फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से भाजी पकने तक हम इसे पकाएंगे। ज़्यादातर ये मार्च और अप्रैल के महीने में ही आता है, बहुत कम समय के लिए आता है इसीलिए इसका रेट बहुत ही हाई रहता है। अब हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये देखिए 5 मिनट के बाद हम कवर खोल के देख लेते हैं इसे। ये देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है हमारा भाजी, पर अभी तक और भी थोड़ा पकना बाकी है। तो फिर से हम इसे ढक लेंगे कुछ देर के लिए। ये देखिए अब हमारा भाजी बिल्कुल तैयार है, सभी चीज़ें अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके इमली का पानी डाल देंगे। आपको जितना खट्टा पसंद हो उसी हिसाब से ही आप इमली का पानी डालें। अब इसे अच्छी तरह से भाजी में मिला लेंगे। इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स इमली ही है। इसमें जो खट्टापन आता है इसे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो तैयार है हमारा गर्मा गर्म बुहार भाजी। एक बार ज़रूर ये रेसिपी इस तरह से आप ट्राई करके देखिए अपने घर पे। बुहार भाजी ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, कई सारे और जगह में भी ये पाए जाते हैं। वेस्टर्न उड़ीसा में हम लोग इसे बहुल साग बोलते हैं जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। तो एक बार ये रेसिपी इस तरह से ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी बनता है।